Good evening. Amongst the show, third opinion with Ms. Bashani. I'm your host, Jasleen. Ms. Bashani, I am going to start off with the most recent, I guess, topic that's on student unrest, where they are getting ready to march in upcoming days. That'll be November 29th of this year. So can you tell us what is the cause of it? Why are they doing this? थैंक यू जाजलीन. ये जो अनरेस्ट स्टूडेंट्स की पाकिस्तान में, इस पे मैं बात करूँगा. लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एक जो है वो आज जो है ना बम्बे अटैक का जो है वो रिमेम्बरेंस डे है, एक हवाले से तो काफ़ी जो है इस पे डिस्कशन हो रही हैं. तो मैं समझता हूँ कि इस पे तो बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ लिखा गया है, बिकॉज़ इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक इवेंट जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और इसके इम्पैक्ट के हवाले से इसने पूरी लैंडस्केप चेंज की जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप की थी. और उसके ज़ाहिर है इस तरह के किसी इवेंट का कोई पॉजिटिव पहलू तो रेयर होता है, बल्कि होता ही नहीं है, इज़ ऑलवेज नेगेटिव. लेकिन फिर उस नेगेटिव के भी कई दफ़ा फिर जाके कोई एक ऐसा निकलता है कि उसकी वजह से पाकिस्तान में जो कुवतें ऐसी ढकी छुपी कुवतें थी कि जो हमेशा इस तरह के इवेंट के पीछे रही हैं, इनको स्पॉन्सर करते रहे, इनको प्लान करते रहे, इनको हेज करते रहे, और फिर हमेशा जो है वो इवन दो के करीब करीब वो इसको एक्नॉलेज भी करते रहे कि ये हमने किया, तस्लीम भी करते रहे, लेकिन फिर भी बच के निकलते रहे. तो इस तरह की जो पॉलिसी रही वहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उसका नतीजा ये निकला कि ये मिलिटेंसी और ये खून खराबा इस हद तक आगे बढ़ गया. पर आप अगर कोई स्टेट जो है ऑफिशियली लोगों को शेल्टर देना शुरू हो जाए जो इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, और वो कोई ऐसी हरकत करें जिसको मैं घिनौनी हरकत ही कह सकता हूँ, ज़ाहिर है मोस्ट जो है, और फिर हैं वो तो अपनी जगह रह जाएं, तो स्टेट पहले आगे होके तो उन एक्सक्यूज शुरू कर दे के जी ये हम नहीं. सो आई रिमेंबर दैट, आई मीन दैट वाज सो ट्रेजिक कि उस वक्त पाकिस्तानी ने एज ए स्टेट वजारत खारजा ने इसको डिफेंड करना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं. यानी जिसका दूसरा क्या मतलब है कि जब आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है यू वांट टू हाइड समथिंग और यू वांट टू प्रोटेक्ट सम पीपल इन योर ओन टेरिटोरी. तो ये इतना सरप्राइजिंग था. और फिर मैं उसको देखता हूँ कि जब विद द पैसेज ऑफ टाइम जब चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो गई, साफ़ी जाने शुरू हो गए, वो बंदा जो है उस वक्त जो मारा गया था, जो मेन इसका वो था, उसका गांव जाके लोगों ने निकाल ढूंढ निकाला, कैमरे लगने शुरू हो गए, एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट दैट. तो उस वक्त जाके उस वक्त भी स्टिल जो है जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में जो लोग बैठे हुए वो इसकी तरदीदें करते रहे कि नहीं जी ये हमारे ख़िलाफ़ साजिश है, ये इसमें हम हो ही नहीं सकते वगैरह. लेकिन इसका एक पहलू ये निकला कि उसके बाद फिर वो इस बात को ज़्यादा देर तक जो है वो छुपा नहीं सके, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रेशर बिलाखर डिवेलप हुआ, जिसके नतीजे में अगर कुछ हद तक ही सही लेकिन कुछ मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ वहाँ पे उनको मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी, या कुछ इस तरह के जो पॉलिटिशियंस थे जिसमें नवाज शरीफ था कि उसने इस तरह का एक मकबूल लीडर जो है एक पॉपुलर, उसने इस तरह का एक्सेप्ट किया कि जी ये इसमें हमारा हाथ है. तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक पहलू था जिसकी वजह से ये जो गिरें जो हैं वो खुलनी शुरू हुई, और ये जिन लोगों की वहाँ कुर्बानियाँ थी, जो बेगना लोग शहीद हुए बम्बई में इस फायरिंग की वजह से, उनका खून कम अज़ कम रंग लाया, और किसी हद तक मिलिटेंसी जो है वो मुकम्मल ख़त्म नहीं हुई लेकिन बहुत हद तक उसमें कमी हुई. और आज मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर से होके तो अगर कोई इस तरह का इवेंट प्लान करेगा तो वो 100 दफ़ा उसके बारे में सोचेगा, क्योंकि उसका जो रिएक्शन था वो बड़ा स्ट्रांग था और बड़ा प्रैक्टिकल था. तो इस हवाले से ज़ाहिर है हमारी हमदर्दियाँ उन लोगों के साथ हैं जो विक्टिम हैं, जो शहीद हुए हैं इसके साथ. तो इसके बाद हम चलते हैं जो है वो पाकिस्तान में जो स्टूडेंट अनरेस्ट है. अब इसको अनरेस्ट नहीं कहना चाहिए, ये उससे बड़ी चीज़ है, लेकिन अनरेस्ट हम इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे अब सिचुएशन ऐसी बन गई है कि बड़ी सी बड़ी बगावत और बड़े से बड़े जो रिबेलियन है उसको भी अनरेस्ट जैसा एक माइल्ड सा लफ्ज़ दे के तो डिसमिस कर दिया जाता है. तो वैसे अगर देखा जाए तो वहाँ पे जो ये जो है स्टूडेंट्स ने ऐलान किया है कि वो 29th ऑफ नवंबर विच इज़ टमारो,
वो जाके तो इसके खिलाफ एक मार्च जो है प्रोटेस्ट वो करने वाले हैं, और बहुत सारे लोगों का तजिया है कि ये पाकिस्तान की जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होगा, जो एक ही वक्त में जो है वो पाकिस्तान की डिफरेंट सिटीज़ में होगा, और एक ही वक्त में जो डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, तालीमी इदारे हैं, उनके अंदर होगा या पार्लियामेंट हाउस के सामने होगा। तो ये इस हवाले से एक हिस्टारिक है और इसकी बहुत बड़ी अहमियत है जिसको लोग इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अभी तक जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़, उन्होंने इसको एक तरह का इग्नोर किया। हालांकि ये एक ऐसा इवेंट है जिसके बतन से बहुत बड़े बड़े इवेंट जन्म ले सकते हैं। ये दुनिया की जो हिस्ट्री है स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, उसको तो छोड़ें, उससे तो बड़े बड़े इनकलाब आए, लेकिन पाकिस्तान में भी माजी में जो स्टूडेंट के हवाले से अगर कोई एजिटेशन लॉन्च हुआ या कोई तहरीक चली, तो उसके बड़े जो है वो रिजल्ट निकले। और कई दफ़ा ये है कि वो हुक्मरानों के लिए उसको कंट्रोल करना या रियासत के लिए उसको इतनी आसानी से डिस्पर्स करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो अब इस हवाले से मैं इसमें देख रहा था कि ये लोग ये समझते हैं कि ऑल ऑफ सडन है, कैसे हो गया, इसके पीछे पता नहीं क्या है, किसका हाथ है, लेकिन अगर इसको जो लोग गौर से मॉनिटर करते हैं वो देखते हैं कि गुज़श्ता 3-4 साल से एक अनरेस्ट जो है वो तो शुरू थी, लेकिन गुज़श्ता 1 साल में जो कुछ स्टूडेंट के साथ हुआ है, जिस तरीके से जो नई गवर्नमेंट आई है उसके आने के बाद स्टूडेंट को जिस तरीके से आप यूँ कह लें कि डीपली डिसअपॉइंट किया गया, उसकी वजह से एकदम एक तरह की एक चिंगारी जो है वो तालीमी इदारों के अंदर मौजूद है। अब इसमें एक फैक्टर इस हुकूमत का है, जो लोग पूरे तौर पे इसी हुकूमत को ब्लेम कर रहे हैं कि ये सारा इसका है, ये बात नहीं। एक फैक्टर इसका क्या है ये मैं आउटसाइड पे क्लियर कर दूं, ताकि ये ना समझा जाए कि हम कोई नाजायज़ किसी पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। उसमें हुआ ये कि IMF जैसा कि है, IMF ने पाकिस्तान को लोन जो एग्री किया जी कि हम आपको देंगे, तो उन्होंने उसके साथ साथ उन्होंने अपना शरायत भी रखी। अब उस शरायत पे पाकिस्तान के उस वक्त का कोई भी जो संजीदा दानश्वर था, इकोनॉमिस्ट था, तजियाकार था, वो ये कहता कि ये जो IMF की शरायत हैं ये मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी तूफ़ान, बहुत बड़े हंगामों और बहुत बड़ी इवन के एक तरह की जो है वो अनरेस्ट की तरफ ले जा सकती है। उसकी वजह यह है कि ये सारी शरायत जो हैं ये घुमा फिरा के तो उन तबकात के ख़िलाफ़ हैं जिनको सबसे ज़्यादा हमदर्दी की और मदद की ज़रूरत है, यानी जो अनफॉर्चुनेट क्लासेस हैं या लेस फॉर्चुनेट पीपल हैं जी। तो IMF तो हर शर्त के साथ ये रखता है कि इसको भी फ़ारग करो, उसको भी फ़ारग करो, इस पे पैसा मत खर्च करो, उस पे पैसा मत खर्च करो। तो IMF की ये एक रेसिपी है जो ज़ाहिर है उन्होंने एक 50-60 सालों में डिवेलप की है। उनके पास कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं कि हमने यहाँ ये अप्लाई किया था तो यहाँ ये हो गया था, लेकिन हर मुल्क का जो है वो अपनी एक बैकग्राउंड होती है हिस्टोरिकल, और एक सोशियो इकोनॉमिक फार्मेशन होती है जिसके अपने कोई ख़ास एक हदोखाल होते हैं जिनको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान जो है वो कोई वेलफेयर स्टेट नहीं है, लेकिन एजुकेशन के हवाले से वहाँ पे काफ़ी हद तक लोगों को कुछ फैसिलिटीज़ हैं, मसलन जो है वो कम फीसें हैं या बाज़ औक़ात मुफ्त फीसें हैं सरकारी तालीमी इदारे या सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में, या कम कंट्रोल में जो गरीब लोगों के बस में ट्यूशन फ़ी है, इस तरह की चीज़ें। तो IMF ने ज़ाहिर है ये कहा कि जी एजुकेशन का बजट काटो। अब देखें जो हमारी ये हुकूमत है इस वक्त इमरान ख़ान की, उसका नंबर वन पिलर जो था वो एजुकेशन, और एजुकेशन को लेकर उन्होंने इतने बड़े बड़े दावे किए कि उन्होंने दुनिया को हिला के रख दिया। लोगों इस गलतफहमी में मुबतला हो गया कि पाकिस्तान पता नहीं लीड करेगा दुनिया को एजुकेशन के उसमें, कि वो रातों रात जो है वो हम सारी जो डिस्पैरिटी है उसको भी ख़त्म कर देंगे, ये जो जिस तरह के तरीके की मुख्तलिफ़ नसाब हैं, मुख्तलिफ़ तरीके की तालीमें, इनको भी ख़त्म करके उसमें एक यकसानियत और उसमें एक तरह की इक्वालिटी भी ले आएंगे, ये सारे दावे थे। लेकिन आके उन्होंने जो नेटशेल में किया, मैं आपको बता दूं, वो ये किया कि 40 बिलियन जो वो ग्रांट करते थे यूनिवर्सिटीज़ को जी, उनमें से 10 उन्होंने फ़ौरन काटा IMF के वादा करने के फ़ौरन बाद, जिसका नतीजा ये निकला कि जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ थी, जाहिर है उन्होंने अपनी पेमेंट्स तो बिल तो पे करने, तो वो बिल पे करने के लिए उन्होंने इधर उधर हाथ पाँव मारने शुरू कर दिए,
और उन्होंने उसी तरीके से कटौती शुरू कर दी। मसलन स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप पे थे उनके स्कॉलरशिप बंद हो गए चूँकि उनके पास खुद पैसे यूनिवर्सिटीज़ के पास नहीं थे कि वो उनको पे कर, और कई लोगों को हॉस्टल से निकाल दिया गया चूँकि सब्सिडीज़ कम हो गई। ये जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं इन्होंने अपने हंगामी अखराजात को डील करने के लिए बैंकों से कर्ज़े लिए जो हाई रेट पे हैं, और उसको रिकवर करने के लिए वो स्टूडेंट को फीसों में, ट्यूशन में, इन चीज़ों में इजाफा किया। तो इस वजह से एक पूरा माहौल बनाया गया जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं। Natural sweetener, flavor all. 20 flavors to choose from. The perfect substitute for sugar and artificial sweeteners. Flavor all by Greenish. Flavor all from Greenish, now available at Rexall pharmacies. Welcome back, viewers. Miss Bashani, you were giving us examples of how, I guess, the students. तो ये एक तो बिल्कुल एक सामने की जो नटशेल में मैंने आपको मिसाल दी जी कि सामने सामने बजट काटा गया। बजट जब काटा गया तो यूनिवर्सिटीज पेमेंट्स में पीछे रह गई, पेमेंट्स में पीछे रह गई तो उन्होंने आगे जहाँ काटना था स्कॉलरशिप काटी, हॉस्टल्स काटे, सब्सिडीज काटी, और एजुकेशन जो है उसका वो रिकवर करने के लिए स्टूडेंट पर डाल दिया ये सारा, कहीं प्रोफेसर्स पे डाल दिया, कहीं किसी को जॉब से निकाला, कुछ किया बिकॉज उनको आगे जो है वो चलना था। तो एक इसका ये फौरी इम्पैक्ट है। अब मैं ये नहीं कहता कि सारा यही एक बुनियाद है, दिस इज़ नॉट दी सेंट्रल पॉइंट, लेकिन ये एक बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से कि एंगर स्टूडेंट्स के अंदर आई। और गुज़श्ता एक साल से हम देख रहे हैं कि कहीं जो है वो इंस्टीट्यूशंस में हड़ताल हुई, स्टूडेंट्स ने कैंप लगाए, मसलन कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने हड़ताल की कि हॉस्टल की फैसिलिटी उनकी छीन ली गई, इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे ये होता रहा। लेकिन इनके स्टूडेंट्स के अगर ये मुतालबात देखे जाएं और इनकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखी जाए तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी कि जो एक्चुअली रिफ्लेक्शन है जो कुछ सोसाइटी के अंदर हो रहा है, इज़ नॉट स्टूडेंट स्पेसिफिक थिंग। स्टूडेंट्स आर द पीपल एट द फोर फ्रंट एंड दे आर सफरिंग फ्राम दैट, लेकिन उसका वो रिफ्लेक्शन जिन मुतालबात उनके हैं उन पर मैं गौर कर रहा था तो वो सारे के सारे सोसाइटी की जो अनफॉर्चुनेट पहलू हैं उनकी अक्कासी कर रहे हैं, और उसका ताल्लुक जो है वो बड़ा बहुत जाके तो समाज के अंदर ये जो इस वक्त वहाँ पर जो गुर्बत है, बेरोज़गारी है, डिस्पैरिटी है, जो इसकी जो दौलत की गैर मुनसफाना तकसीम है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनके मुतालबात से जाके तो वो रिफ़्लेक्ट होती हैं। अगर एक एक करके उनके मुतालबात देखे जाएं तो मोस्ट जेन्युइन मुतालबे हैं, उसमें से कोई चीज़ भी जो है ऐसी नहीं है कि जिस पे कोई एतराज़ कर सके। मसलन एक मुतालबा जो है एकेडमिक फ्रीडम का है जी, जो कि बुनियादी तौर पर एक ऐसा मुतालबा था जो पाकिस्तान के एकेडमिया में तकरीबन ख़त्म हो गया था, मर गया था, दफन हो गया था, हालांकि ये एकेडमिया का एक मुतालबा है और उसके अंदर इसको किसी न किसी शक्ल में डिस्कस होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस तरह की जाबराना किस्म का एक सिस्टम कायम कर दिया गया एकेडमिया में कि यहाँ तक के प्रोफेसर या स्टूडेंट ये सोच भी नहीं सकते थे कि वो ये मुतालबा उठा भी सकें, लेट अलाउन थिंकिंग दैट समबडी विल एक्सेप्ट दैट। यानी एक तरह का डिप्रेशन जो है वो तालीमी इदारों के अंदर, और जबर का एक ऐसा तरीका उन्होंने इख्तियार किया कि उसको बिल्कुल जो है वो लोगों को नफसियाती तौर पे ये बावर करा दिया गया कि यू हैव नो राइट्स सो डोंट इवन टॉक अबाउट इट। इसको अगर पीछे से आप जाके देखें ना, मैं इसको क्यों कहता हूँ कि इट वॉज़ सो डिप्रेसिव, कि इसका ताल्लुक जो है वो हिस्टोरिकल जो स्टूडेंट मूवमेंट है उससे बनता है। पाकिस्तान में वन ऑफ दी और बांग्लादेश में स्टूडेंट मूवमेंट जो है, इंडिया में भी ऑब्वियसली बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का एक एलिमेंट रहा है हिस्टोरिकली। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में 50s और 60s में स्टूडेंट वर एट द फोर फ्रंट, जो वैन गार्ड होता है, जो प्रोग्रेसिव तहरीकें हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जमहूरी तहरीकें हैं, उनके फोर फ्रंट पर जो है वो स्टूडेंट्स रहे हैं।
उसमें जो पाकिस्तान नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन जो है एक प्रोग्रेसिव लेफ्ट लीनिंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन रही है, जिसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के लिए, अगेंस्ट मिलिट्री डिक्टेटरशिप और बुनियादी चेंज के लिए उसका एक रोल है। उस रोल को लेके आगे तक 80s तक एकेडमिया जो है वो बड़ी हद तक फ्री थी। एटलीस्ट यू आर इन पोजिशन टू से वट यू वॉन्टेड टू से, टू डिस्कस, टू राइट, और इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन 80s में जब पाकिस्तान पे जो है वो डिक्टेटरशिप मसालत हुई जनरल ज़ियाउल्लाह की, विच वॉज वन ऑफ द वर्स्ट इन हिस्ट्री, तो उसने जो जिन जिन चीज़ों को कत्ल किया उनमें एक एकेडमिया भी है जिस पे सबसे बड़ा उसने हमला किया। और वो हमला खोसन जो वहाँ की सबसे बड़ी दरसगाह जो पंजाब यूनिवर्सिटी थी, जिसके अंदर हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट या प्रोफेसर्स और एक पूरा एक वो है, उसको उन्होंने एक फंडामेंटलिस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट कर दिया, जिसको आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहते हैं। कि ताकि जो कुछ जनरल ज़ियाउल्लाह एज ए मिलिट्री डिक्टेटर मुल्क में कर रहा है, सेम थिंग दे शुड बी डूइंग इनसाइड दी दैट प्रीमिसिस जो यूनिवर्सिटी कैंपस है। तो उसमें उन्होंने बिल्कुल उसी तरह का निज़ाम मसालत किया, और इस हद तक मसालत किया कि लोगों को ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़ाना, ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़ाने से मरा दिया कि मैं चूँकि आई वॉज स्टूडेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड आई यूज़ टू लिव इन हॉस्टल, जो कि टोटल जो है वो उस फंडामेंटलिस्ट फाशिस्ट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के मुकम्मल कंट्रोल में थे। तो वो क्या करते थे कि सुबह 5 बजे जो नमाज के वक्त दरवाज़े खटखटाना शुरू करते थे विदाउट एनी एक्सेप्शन, कि मुमकिन है इस कमरे में कोई गैर मुस्लिम ही रह रहा है लेकिन फिर भी उसको टेररिज करने के लिए उसके दरवाज़े पे नाक नाक नाक, गेट अप एंड प्रे। तो ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम दे इम्पोज्ड, एग्जैक्टली द सेम विच ज़ियाउल्लाह वाज ट्राइंग टू इम्पोज ऑन द सोसाइटी। उसके बाद जो है वो वहाँ पे जो एक सेग्रीगेशन का तसव्वुर के ख्वातीन और हालांकि को एजुकेशन थी यूनिवर्सिटी में, लेकिन ये है कि ख्वातीन और जो लड़के हैं वो एक साथ नहीं बैठ सकते, बैठ के चाय नहीं पी सकते, घूम फिर नहीं सकते, यानी इस तरह की सेग्रीगेशन इन ए क्लासरूम और इन ए कैंपस वेयर देयर इज़ ए को एजुकेशन। और उसके बाद ताकत का इस्तेमाल, जो फाशिस्ट अरबा है कि जो मुखालफीन हैं उनको ताकत के ज़रिए तशद्दुद के ज़रिए उनको रोकना, हॉस्टल्स की जो अलाटमेंट है कि किसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इवन देन के स्टूडेंट्स के पेपर चोरी करने का रवाज उन्होंने शुरू किया था। स्टूडेंट के पेपर चोरी करने से मुराद के जो वो पेपर को डिटैच करते हैं रोल नंबर से, तो प्रोफेसर उनको मार्क करते हैं तो वापस जब पेपर आता है तो वो उसको अटैच करते हैं, तो वो अपने से जो सबसे अच्छा पेपर उसको अपने से अटैच कराते थे, किसी की ज़रूरत नहीं थी कि इसको रेज करे कि मेरा पेपर चोरी हो गया। और बाद स्टूडेंट हम जैसे जो थे वो कहते थे कि आई फेल्ड इन माई बेस्ट पेपर, कैन यू इमेजिन कि जिस पर मुझे फ़ख्र है उसी में मैं फेल हुआ, तो इसका क्या मतलब है कि कोई ऐसा पास हुआ जो वजीफ़ा लेके अमेरिका चला गया क्योंकि उसके नंबर आ गए 100% और हम जैसे लोग जो हैं वो वहाँ पे ठोकरें खाते रहे। ये उन्होंने जुल्म की एक अंधेर नगरी पंजाब यूनिवर्सिटी में उस वक्त कायम की थी जो अभी तक तकरीबन कायम है। जनरल ज़िया भी गया, उसके चेले चांटे भी गए, उसके आगे जो थे पैरोकार वो भी गए, लेकिन वो जो तालीमी अदारा है वो आज भी उसी तरह की सिचुएशन में है कि उसी तरह उस तुलबा तंजीम का उस पर कब्ज़ा है, उसी तरह उनका टेररिज्म है, उसी तरह उनकी नाइंसाफ़ी है, उसी तरह वो जनाब सारे अरबे प्रोफेसरों की अपॉइंटमेंट्स और तबादले, हॉस्टल्स की जो है अलाटमेंट, ये सारी चीज़ें उनके हाथ में। तो अब ये एक देखें एक फैक्टर उसमें ये भी है, और मैं ये आपको एक पिन पॉइंट करके इसलिए देता हूँ कि आई केम टू दैट प्लेस एंड आई हैव पर्सनल एक्सपीरियंस, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी इससे कोई मुख्तलिफ नहीं है। हर यूनिवर्सिटी पे किसी न किसी इस तरह के ग्रुप का किसी न किसी तरीके से कब्ज़ा है और वहाँ पे दूसरे तुलबा के साथ वो ज़्यादती हो रही है। अब ये पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने सबसे पहले जो ब्रोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और पख्तून स्टूडेंट फेडरेशन, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने ड्रास्टिक एक्शन लेने शुरू किए। इस साल वो आपने अखबारात में पढ़ा होगा कि जब एक कल्चरल प्रोग्राम पश्तूनों का, चूँकि पश्तून जो कल्चर है वो लिटिल बिट डिफरेंट है पंजाबी कल्चर से, और वो उन्होंने कोई अपने गाने बजाने और डांस वगैरह का वहाँ पे कुछ किया इस तरह का,
جو ان کا اپنا فیسٹیول تھا اس پہ انہوں نے روکنے کی کوشش کی. اس طرح دوسری جو ہیں, تو اس حوالے سے یہ ایک عرصے سے مختلف تعلیمی اداروں کے اندر اس حالت کی وجہ سے جس کا کوئی نوٹس نہیں لے رہا, کیونکہ جو نئی حکومت آتی ہے وہ بھی انہی کو ٹھیکہ دے دیتی ہے کہ آپ کے قبضے کا ٹھیکہ آپ کے ہاتھ میں, آپ اس کو اسی طرح چلاتے رہیں. تو وہ پھر اس سے طلباء کے اندر ایک اینگر جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی, اس کا ایک فیکٹر یہ تھا, یہ قبضے کی بات. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹریجک قسم کا ایونٹ ہوا تھا کہ وہ جو مشال خان جو ہے پشاور میں ایک تعلیمی ادارے میں, اس کو مار دیا گیا تھا. اور اس کو مار اس طرح دیا گیا تھا کہ گروپ آف پیپل چیزڈ ہم اور انہوں نے اس پہ تشدد کر کے تو اس کو جان سے مار دیا. اور وہ چیز بعد میں جب انویسٹیگیٹ ہوئی باہر آئی تو ہر بندے کو پتا تھا کہ یہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا بیکاز آف ہز پولیٹیکل آئیڈیالوجی اینڈ بیکاز آف ہز فری تھنکنگ. تو یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ لوگوں نے اس کو بلا دیا, از ناٹ سم تھنگ دیٹ پیپل جسٹ ڈسمسڈ اینڈ واکڈ اوے. اب یہ طلباء کا جو ایک چیز ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اس کی میموری میں ہم یہ ایونٹ جو ہے اس کو وہ ریممبر کریں اور لوگوں کو یاد دلائیں کہ یہ واقعہ ہوا تھا اور یہ واقعہ پھر بھی ہو سکتا ہے. جو کہ تعلیمی اداروں کے اندر جو آپ نے سچویشن کھڑی کر رکھی ہے, جس طریقے سے آپ نے جو کلچر ڈیولپ کر رکھا ہے, اس کے نتیجے میں ایسے واقعات کو نہیں روکا جا سکتا. یہ اس کا ایک دوسرا جو ہے وہ مطالبہ. تیسرا یہ ہے کہ ان کا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینز جو ہیں ہسٹوریکلی وہ پاکستان میں ایک بڑا فورم رہا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے ٹو گیٹ ٹرینڈ فار اے ڈیموکریٹک سسٹم, یا ایک جو بھی اسٹوڈنٹس کے اداروں کے اندر ضروریات ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے. لیکن یہ بھی ظاہر ہے جنرل ضیاء نے اس وقت جو ہے 84 میں غالباً اس کو بین کر دیا کہ اسٹوڈنٹ کے الیکشن نہیں ہو سکتے, جس کی وجہ سے یہ چیز ہوئی. چونکہ بین کرنے کے پیچھے ایک فیکٹر یہ بھی تھا, چونکہ اس کا انڈائریکٹ فائدہ انہی لوگوں کو ہوتا تھا جو پرو ملٹری اور پرو جو اسٹیبلشمنٹ اور پرو ڈکٹیٹرشپ تھے, تو ان کو چونکہ انہوں نے ایک طریقے سے فیور دینا تھا, پریویلیجز جو ان کو حاصل تھی ان کو کنٹینیو رکھنا تھا, ان کے چنے ہوئے پروفیسر جو ہیں ان کو جاری رکھنا تھا, اس لیے وہ ایسا موقع ہی نہیں دے سکتے تھے کہ جس میں کسی طرح کا اختلاف رائے یا کسی طرح کا ڈفرینس آف اوپینین کسی بھی اکیڈیمک ایریے کے اندر آ سکے. اس لیے ان کا ایک بڑا مطالبہ یہ بھی ہے. پرفیکٹ مسٹر پشانی, آئی ایم گونا ہولڈ یور تھاٹ اوور دیئر. ویورز پلیز ڈو اینی ویئر, وی رائٹ بیک. تھینک یو. All natural sweetener, flavor all. 20 flavors to choose from. The perfect substitute for sugar and artificial sweeteners. Flavor all by Greenish. Flavor all from Greenish, now available at Rexall pharmacies. Welcome back viewers, Ms. Bashani, we were still discussing the student unrest. وہ میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو اسٹوڈنٹ مارچ ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک بڑا مطالبہ اسٹوڈنٹ یونین کی بالی ہے, جی, جو کہ ایک جسٹیفائیبل مطالبہ ہے. اور جسٹیفائیبل جو ہے, اب اس سے تو کوئی بات انکار کر ہی نہیں سکتا کہ اسٹوڈنٹ پوری دنیا میں جہاں کہیں کسی ڈیموکریٹک سوسائٹی میں ہیں, ان کو اپنی یونین سازی کا یا اپنے تنظیمیں بنانے کا یا اپنے پلیٹ فارمز پہ پالیٹکس کرنے کا اختیار ایک ان چیلنجیبل اختیار ہے. تو پاکستان میں کیا ایکسیپشن ہے کہ آپ وہاں کہیں کہ جی آپ یونین نہ بنائیں. اور یہ صرف یونین نہ بنانے کی بات نہیں ہے, ممکن ہے یہ بھی لیگلی ان کو اجازت ہو کہ آپ ٹھیک ہے یونین بنائیں, لیکن ان سے جب اسٹوڈنٹ کسی بھی یونیورسٹی جو پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی ہے جی, اس میں جب وہ جاتے ہیں ایڈمیشن کے لیے تو ان کو ایک ایفیڈیوٹ دینا پڑتا ہے کہ میں جو ہے وہ پالیٹکس سے دور رہوں گا. تو پالیٹکس سے دور رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یونین بناتے بھی ہیں تو وہ ایک بے جان قسم کی ایک چیز ہوگی جس میں آپ کوئی پولیٹیکلی جو ہے نہ کوئی ڈیلیبریٹ کر سکتے ہیں, نہ کوئی بات کر سکتے ہیں, نہ کسی طریقے سے اس پہ وہ ہو سکتا ہے.
تو یہ بھی ان کا ایک بڑا مطالبہ ہے جس کے لیے پہلے یہ لوگ کورٹ میں بھی جا چکے ہیں، انہوں نے چیلنج کیا تھا جو کہ آبویسلی ان کو کچھ نہیں ملا کورٹ سے۔ تو یہ ایک بڑا مطالبہ ہے کہ اس بیان ایلفی کو بھی جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ایک اور بڑا فیکٹر اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ جو مختلف نیشنلسٹ تحریکیں ہیں ان میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ مثلا جو سندھ میں جو ہے وہ سندھ کے جو نیشنلسٹ اسٹوڈنٹ ہیں وہ ایک عرصے سے سندھ کے کیمپسز میں، مثلا سندھ یونیورسٹی میں یا اور دوسری یونیورسٹیز میں، ایک حد تک ان کی ایکٹیویٹیز بڑی نمایاں ہیں۔ اور جس کی وجہ سے ابھی ایک تازہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ وہاں پہ انہوں نے ایک جلوس نکالا جو تھا وہاں پہ جو واٹر سسٹم ہے یونیورسٹی کے اندر اس کو امپروو کرنے کے لیے، چونکہ ان کو پانی کا جو ہے مشکلات تھی۔ تو وہاں پہ پولیس نے ان کو ارسٹ کیا، اور پولیس نے ان کو ارسٹ کرنے کے بعد ان کے خلاف جو رپورٹ درج کی وہ یہ کی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سندھو دیش کے نعرے لگا رہے تھے اور پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، اور ان کو سیکشن 123 جو اس طرح کے چیزوں سے نبھنے کے لیے ہوتا ہے وہ لگا کے تو ان کو ارسٹ کر دیا۔ جبکہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے پبلکلی یہ کہا کہ انہوں نے نہ کوئی نعرہ لگایا اس طرح کا، نہ کوئی جھنڈا اٹھایا، نہ پاکستان کے خلاف کوئی تقریر کی، یہ تو بات کر رہے تھے پانی کی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو انتظامیہ ہے وہ اسٹوڈنٹس کے خلاف اس طرح کی ایک انتہائی فرضی اور جھوٹی قسم کی ایف آئی آر جو ہے وہ درج کر سکتی ہے۔ اس طرح وہاں پہ ایک بڑے پیمانے پہ ایک پروگریسو نیشنلسٹ موومنٹ سندھ کے اندر ہے جو اس طرح کے مطالبات اٹھا رہے ہیں، جس میں ان کے رائٹس ہیں، صاف پانی کا مسئلہ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کا مسئلہ ہے، ایکڈیمیا کی آزادی کا مسئلہ ہے، یہ سارے مطالبے اٹھا کے تو ان کے اندر بھی ایک یونٹی اور ایک طرح کا اینگر جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے اندر بھی اسٹوڈنٹ موومنٹ جو ہے، بلوچستان کی ہسٹاریکلی جو ہے ایک بڑی ٹریڈیشن رہی ہے کہ وہاں اسٹوڈنٹ موومنٹ بڑی مضبوط رہی ہے۔ بی ایس او جو ہے، بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، وہ وہاں کی ایک بڑی ہسٹاریکل آرگنائزیشن رہی ہے جس نے بلوچستان کے حقوق کی بڑی طویل قسم کی فائٹ دی ہے، اور وہ بڑی پاپولر قسم کی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے۔ اور بلوچستان واحد صوبہ ہے جس میں یہ اس طرح کی جو فنڈامنٹلسٹ فورسز ہیں ان کو یہ فیس کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ تو ان کے جو اپنا ایک انریسٹ ہے ایک عرصے سے، اور ان کے جو مطالبے ہیں وہ سلائٹلی ڈیفرنٹ ہیں، لیکن بڑے لیول پہ جا کے تو یہ پورے اسٹوڈنٹ اس کے ساتھ وہ مرج ہو جاتے ہیں۔ مثلا ان کا ایک مطالبہ مسنگ پرسن ہے، کہ مسنگ جو اسٹوڈنٹ مسنگ ہیں کہ بلوچستان کی یونیورسٹیز میں یا کالجز میں سے ایسے اسٹوڈنٹ کو اٹھا لیا گیا جو بنیادی طور پہ جو ہے وہ مطالبے کر رہے تھے ڈیموکریٹک مطالبے، یہ ڈیموکریسی کے حق میں بات کی ہے، ہیومن رائٹس کے حق میں بات کی، تو ان کو اٹھا لیا گیا اینڈ دے آر اسٹل مسنگ، رائٹ؟ تو اب یہ مطالبہ کرنا کہ مسنگ پرسن جو ہے ان کو کورٹ میں پیش کیا جائے یا ان کو چھوڑا جائے یا ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ وہ کہاں ہیں اور کیا ہو رہا ہے، یہ ایک بڑا جذباتی اور امپارٹنٹ ہے۔ پھر اس میں یہ بھی سوال ہے ایکڈیمیا کا کہ فریڈم کا سوال، پھر ان کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ بلوچستان میں جو سیکیورٹی کا نام پہ جو کیمپسز میں جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں یا جس طرح کا ان کا برتاؤ ہے وہ ان کے لیے منظور نہیں۔ اب اس طرح پختونخوا میں جو پشتون ایریا ہے جس میں مشال خان کے ساتھ یہ ہوا تھا، وہاں بھی اس طرح کی ڈفرینٹ وجوہات ہیں، اور یہ سب مل کے تو پھر ایک انہوں نے پورے ملک کے اندر ایک مارچ کا اہتمام کیا، اور اس میں ظاہر ہے ہر سیکٹر، اس میں ایک بڑا سیکٹر جو ہے وہ جو آزاد جموں کشمیر کا نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، انہوں نے بھی اس میں جو ہے وہ پوری مارچ میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ تو یہ ایک اگر غور سے دیکھا جائے تو ایک بہت ہی زبردست قسم کا آپ یوں سمجھ لیں کہ انیشیٹو ہے، جو کہ ایک پروگریسو اسٹوڈنٹس کی طرف سے اور جن کے مطالبات جو ہیں وہ جسٹیفائیبل ہیں اور سارے جو ہے ان کی تعلیم کے ساتھ اور مستقبل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ مثلا اس میں ایک مطالبہ بے روزگاری بھی ہے کہ بے روزگاری ظاہر ہے اگر اسٹوڈنٹ کا کنسرن نہیں ہے تو کس کا ہے؟ یہ سارے لوگ جو ہیں یونیورسٹیز میں ہیں اینڈ دے آر گوئنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیئر ان منتھس اینڈ ایئرس، اور ان کو اپنا فیوچر جو ہے وہ بالکل تاریک نظر آتا ہے۔ ایک مطالبہ ان کا جو ہے وہ انوائرنمنٹ بھی ہے،
اور انوائرمنٹ کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں گے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے ابھی دو دن پہلے کہ لاہور شہر میں جنوری 2019 سے لے کے آج تک وچ از لائک 11 منتھ ایک دن بھی جو سانس ہے جو آکسیجن ہے جو فضا ہے وہ زہر آلودگی سے اتنی بھری ہوئی ہے اتنی آلودہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ ایک دن بھی صاف سانس نہیں لے سکے یعنی ایوری سنگل ڈے یو گیٹ اپ اینڈ یو اسٹارٹ بریدنگ اس طرح کی زہریلی گیس میں آلودگی میں پولوشن میں اور پورا دن 24 آورز یو آر ڈوئنگ دیٹ تو یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ یہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے سو آبویسلی گورنمنٹ ہیز ٹو ڈو سم تھنگ لیکن گورنمنٹ کین ناٹ ڈو اینی تھنگ اس لیے کہ ان کے جو مسائل ہیں ان کی آپس میں ایک جنگ جاری ہے جو اقدار کی جنگ انٹرنل کلیش فائٹنگ ٹو ایچ ادر ٹرائنگ ٹو گریب مور پاورز اور وہ اس طرح کے جو جینون مطالبے ہیں انوائرمنٹ کا مطالبہ ہے ایجوکیشن کا مطالبہ ہے ان امپلائمنٹ کا مطالبہ ہے ہیلتھ کا مطالبہ ہے از ناٹ دیئر کنسرن حالانکہ لطیفے کی بات یہ ہے ستم ظریفی کی کہ دس از دی گورنمنٹ جو انہی چار چیزوں پہ نان اسٹاپ ان کی تقریریں چلتی تھیں کہ ہم جناب اس کو بدل کے رکھ دیں گے تو اب یہ ساری چیزیں ملا کے تو ایک اینگر جو ہے ینگ جنریشن میں وہ آیا ہے اور اس کو جو ہے اب ریفلیکٹ کر رہے ہیں یہ اسٹوڈنٹس کیونکہ سوسائٹی کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے اور سینسیٹیو لوگ ہیں تو یہ اس کو ایک طرح کی زبان دے رہے ہیں تو ہوپ فلی 29th کو ہی بڑی تعداد میں باہر آئیں گے اور اس سے جو ہے وہ کافی فرق پڑے گا پرفیکٹ تھینک یو مس بشانی تھینک یو یو آر واچنگ آر شو اینڈ ول سی یو گائز نیکسٹ ویک